अरावली विहार थाना पुलिस ने अलवर शहर में हो रही सिलसिलेवार मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा करते हुए चोरी के मोबाइल खरीदने और बेचने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दर्जन भर वारदातों को खुलासा कर कुल 20 मोबाइल बरामद किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश खींची ने बताया कि लगातार मोबाइल छीनने की घटना हो रही थी, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस ने मेहनत करते हुए 7 आरोपियों को मोबाइल खरीदने और बेचने के मामले में गिरफ्तार किया है। 20 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी मोबाइल स्नैचर अलवर शहर में किराए का मकान लेकर रहते हैं। यहीं से यह आरोपी वारदात की योजना बनाकर शहर में निकलते हैं, फिर शहर में घूमते हुए मोबाइल पर बात करते हुए जाते राहगीरों पर नजर रखते हैं, जिनका पीछा कर सुनसान जगह देखकर मौका पाते ही मोटरसाइकिल से झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लेते हैं। ये एक साथ कई वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस टीम ने अलग अलग जगह से मोबाइल स्नैचर सहित चोरी का मोबाइल खरीदने और बेचने वाले कुल 7 आरोपियों को दबोच लिया, जिनके कब्जे से अलवर शहर की विभिन्न जगहों से छीने गए कुल 20 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनमें एक विधि के विरुद्ध संघर्षरत किशोर भी शामिल है। गिरफ्तार शुदा आरोपियों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कई वारदातें और किया जाना स्वीकार किया है, जिनकी तलाश की जा रही है। साथ ही मुलजिमान से गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिनसे और वारदातें खुलने की संभावना है। इस निर्देशन पर टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें हमने 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनसे लगभग 20 मोबाइल हमने बरामद किए हैं, ये और इनसे लगभग 11 वारदातें जो हमने अभी तक शहर की घटनाएं उनको ट्रेस किया है। किस तरह की घटना है? ये व्यक्ति पहले जहां जैसे अपना इलाका है कंपनी बाग में, वहां लोग आ जाते थे बाइक पे और उसकी रेकी करते थे, और जब घूम के और फिर जो बात करता रहता था मोबाइल से उसको छीन कर और वहां से बाइक को लेकर फरार हो जाते थे। ये लगभग ये जो सभी लोग हैं, लगभग इनमें से 5-7 आदमी जो है मालाखेड़ा के हैं। मालाखेड़ा में एक विजय नाम की दुकान है, विजय नाम के व्यक्ति की दुकान है, वहां पर ये लोग रहते हैं और वहां पर सस्ते दामों पर ये मोबाइल वहां पर बेचते हैं। अभी तक तो इनका पूर्व का तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड आया नहीं है, और फिर भी हम इसका थानों से और रिकॉर्ड मंगाकर इस बारे में देखेंगे कि कितना क्या रिकॉर्ड है। अभी हम इनको पीसी रिमांड पर लेंगे और उनसे जो और वारदातें खुलने की पूरी पूरी संभावना है इनसे। हाँ, दुकान वाले को भी हमने इसमें आरोपी बनाया, क्योंकि उसने भी उसको सहयोग किया है, तो उसको भी हमने आरोपी बनाया। कितने रुपए का मोबाइल कितने में बेचते थे? ये लगभग जैसे 20,000 का मोबाइल है तो उसको 3-4 हजार रुपए में, ऐसा प्राइमर फेसिया ऐसा जानकारी में आया है। महिलाओं से ज्यादा छीनते थे किसी से भी? ये किसी से भी, ऐसा कोई नहीं है कि भाई महिलाओं से छीनना हो, व्यक्ति कोई भी हो, इनको तो अकेला दिख जाए। और मोबाइल पे जो ज्यादातर उस समय घटनाएं होती थी जब वो मोबाइल पे बात कर रहा होता, जब उसका ध्यान पूरे वहां रहता है अपने बात करने पे होता, उस समय ही वारदात ज्यादा करते हैं। ये शहर में लगभग सभी जगह है, जैसे नॉर्मल जो कंपनी बाग है, काला कुआ है, इस प्रकार के जो स्थान है वहां से वारदातें कर रहे थे। लगभग 2-3 महीने से कंटिन्यू वारदातें कर रहे थे। कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं इसमें, लड़के भी नए लड़के हैं इसमें, नहीं कॉलेज तो नहीं, कॉलेज नहीं जाते हैं ये कोई भी। 7 आरोपी नहीं, मोबाइल ही बरामद हुए, मोबाइल ही बरामद हुए। पैसे का कैसे यूज लेते थे? पैसे आराम करते थे क्या? अब इस संदर्भ में अनुसंधान करेंगे कि कैसे क्या उन्होंने किया है।